रैंडम सैम्पलिंग करें बाकायदा सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, ताकि हमें कुछ आइडिया हो। पहले 6 डिस्ट्रिक्ट्स की हम कर रहे हैं, इस वक्त लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हो रही है, और लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज के दिन के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आए हैं वो तकरीबन 2953 हैं। इनमें से ठीक है 700 से ज़्यादा लोग जो है सेहतियाब होकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन तादाद केसेस की बढ़ रही है। और ये लाहौर इज़ गोइंग टू बी एन एपी सेंटर। स्मार्ट लॉकडाउन दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि जिन एरियाज में ज़्यादा तादाद होगी वी विल इंश्योर अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और जहाँ कम होंगे उनको कंपैरेटिवली ईज डाउन किया जाएगा ताकि लोग अपने रोजमर्रा के कारोबार जो हैं वो भी कर सकें। लाहौर कोरोना का मरकज बन गया, वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का तहलका खेज इंकशाफ। कहती हैं केसेस की तादाद बढ़ रही है, सिर्फ लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 2953 हो गई। लॉकडाउन के हवाले से कहती हैं कि जिन इलाकों में ज्यादा केसेस होंगे वहां सख्त लॉकडाउन करेंगे। एक जानिब मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी, दूसरी जानिब हुकूमत लॉकडाउन खोलने पर तैयार। विफाकी काबीना का लॉकडाउन में नरमी का मशवरा, हतमी फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर करेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं चाहता हूं कि लॉकडाउन जल्द खत्म हो, ताहम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा, कारोबार खोलने के साथ साथ SOPs पर अमल दरामद कराना होगा। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैलने लगा, मजीद 548 केसेज रिपोर्ट, मुतासर अफराद की तादाद 22,000 से तजावुज कर गई, मजीद 28 हलाकतों से जामहक अफराद की तादाद 514 हो गई। पंजाब में 8,133, सिंध में 8,189 केसेज, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 और बलोचिस्तान में 1,321 मरीज। कोरोना से अब तक 5,801 मरीज सेहतयाब हो चुके। पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला, बाज़ाब्ता ऐलान 8 मई को किया जाएगा। स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिक सामान की दुकानें खोलने का फैसला, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता दुकानें भी खोली जाएंगी। 15 रमजान से कपड़े की दुकानें 6 घंटे के लिए खोलने का फैसला, पार्क को भी खोला जाएगा, ताहम झूले बंद रहेंगे। पंजाब के डॉक्टर्स का एक बार फिर लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा, सदर PME प्रोफेसर अशरफ निजामी कहते हैं कि टेस्टों की सलाहियत को मजीद बढ़ाया जाए, मैयत की तदफीन के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन माहरीन की कमेटी तश्कील दी जाए, ताबूत पर शीशा लगाया जाए ताकि मरहूम के अहले खाना आखिरी दीदार कर सकें। वफाकी हुकूमत का इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज न आने से लॉकडाउन में नरमी हुई और वबा फैल गई। बिलावल भुट्टो की कोरोना के खिलाफ वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद, कहते हैं कि सिंध के अवाम को दिए गए रिलीफ पैकेज पर गवर्नर दस्तखत नहीं कर रहे। लॉकडाउन में मुमकिन नरमी के बाद 10 मई से जुजवी ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला, CEO रेलवे हेडक्वार्टर्स को मरासला मौसूल, ट्रेन ऑपरेशन बहाली के लिए 3 दिन में SOPs मुरतब किए जाएं। सिंध हुकूमत का शेख रशीद को फिलहाल ट्रेन सर्विस न चलाने का मशवरा, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह कहते हैं कि ट्रेन सर्विसेज बहाल होने से रेलवे स्टेशन पर हुजूम बढ़ जाएगा। कोरोना वायरस के हेल्थ वर्कर्स पर हमले जारी, मजीद 10 फ्रंटलाइन फाइटर्स मुतासर, मुतासर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तादाद 519 हो गई, नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी की रिपोर्ट जारी। पहले एक डॉक्टर जो थी वो पॉजिटिव आई थी, जो कि मेरे साथ मेरे ही उसमें काम कर रही थी बैच में, और सडनली उनका कोविड पॉजिटिव आया और मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई, ड्यूटी पे मैंने मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल में कोरोना से मुतासर डॉक्टर से मरीजों का इलाज कराने का इंकशाफ, डॉक्टर सरवत ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया, कहती हैं कि कोरोना की अलामत पाए जाने पर मेरा टेस्ट भी कराया गया, अलामत के बावजूद ड्यूटी देने पर मजबूर किया गया, रिपोर्ट में मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया।
हैदराबाद में कोरोना के मरीज को प्लाज्मा लगाने का तजुर्बा कामयाब। एमएस सिविल अस्पताल हैदराबाद डॉक्टर शाहिद जुनेजो कहते हैं कि कोरोना के मरीज की हालत प्लाज्मा लगने के बाद बेहतर हुई, मरीज का ब्लड प्रेशर और पल्स रेट नॉर्मल हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की वेबसाइट देख रहा था तो एक टेंडर मेरी नजरों से गुजरा है और वो टेंडर है खजूरों की खरीदारी के हवाले से। सर, मामला ये है कि 14 अप्रैल को टेंडर अनाउंसमेंट की गई है, 30 अप्रैल तक सबमिशन डेडलाइन दी गई है, जबकि इस टेंडर की ओपनिंग की जो तारीख है वो 5 मई है, यानी 11 रमजानुल मुबारक को ये टेंडर ओपन होगा और उसके बाद जब डिलीवर होगा यकीनन मार्केट में आते आते रमजानुल मुबारक तो शायद गुजर चुका होगा क्योंकि 3 हफ्ते तो कम अज कम दरकार होंगे। 24 न्यूज की खबर का असर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने खजूरों की खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया। टेंडर में शिरकत करने वालों को वापस भेज दिया गया। ज़राए यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि रमजानुल मुबारक में खजूरों की खरीदारी का तनासुब कम है, खजूरों की खरीदारी की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैलने लगा, मजीद 548 केसेज रिपोर्ट, मुतासर अफराद की तादाद 22,000 से तजावुज कर गई। मजीद 28 हलाकतों से जामहक अफराद की तादाद 514 हो गई। पंजाब में 8,133, सिंध में 8,189 केसेज, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 और बलोचिस्तान में 1,321 मरीज। कोरोना से अब तक 5,801 मरीज सेहतयाब हो चुके। पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला, बाज़ाब्ता ऐलान 8 मई को किया जाएगा। स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिक सामान की दुकानें खोलने का फैसला। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता दुकानें भी खोली जाएंगी। 15 रमजान से कपड़े की दुकानें 6 घंटे के लिए खोलने का फैसला। पार्क को भी खोला जाएगा, ताहम झूले बंद रहेंगे। पंजाब के डॉक्टर्स का एक बार फिर लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा। सदर पीएमए प्रोफेसर अशरफ निजामी कहते हैं कि टेस्टों की सलाहियत को मजीद बढ़ाया जाए। मैयत की तदफीन के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन माहरीन की कमेटी तश्कील दी जाए। ताबूत पर शीशा लगाया जाए ताकि मरहूम के अहले खाना आखिरी दीदार कर सकें। वफाकी हुकूमत का इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज न आने से लॉकडाउन में नरमी हुई और वबा फैल गई। बिलावल भुट्टो की कोरोना के खिलाफ वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद, कहते हैं कि सिंध के आवाम को दिए गए रिलीफ पैकेज पर गवर्नर दस्तखत नहीं कर रहे। लॉकडाउन में मुमकिन नरमी के बाद 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। सीईओ रेलवे हेडक्वार्टर्स को मरासला मौसूल, ट्रेन ऑपरेशन बहाली के लिए 3 दिन में एसओपीज मुरतब किए जाएं। सिंध हुकूमत का शेख रशीद को फिलहाल ट्रेन सर्विस न चलाने का मशवरा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह कहते हैं कि ट्रेन सर्विसेज बहाल होने से रेलवे स्टेशन पर हुजूम बढ़ जाएगा। कोरोना वायरस के हेल्थ वर्कर्स पर हमले जारी, मजीद 10 फ्रंटलाइन फाइटर्स मुतासर। मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तादाद 519 हो गई। नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी की रिपोर्ट जारी। पहले एक डॉक्टर जो थी वो पॉजिटिव आई थी, जो कि मेरे साथ मेरे ही उसमें काम कर रही थी बैच में, और सडनली उनका कोविड पॉजिटिव आया और मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई, ड्यूटी पे मैंने मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर से मरीजों का इलाज कराने का इंकशाफ। डॉक्टर सरबत ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया, कहती हैं कि कोरोना की अलामत पाए जाने पर मेरा टेस्ट भी कराया गया, अलामत के बावजूद ड्यूटी देने पर मजबूर किया गया, रिपोर्ट में मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। हैदराबाद में कोरोना के मरीज को प्लाज्मा लगाने का तजुर्बा कामयाब। एमएस सिविल अस्पताल हैदराबाद डॉक्टर शाहिद जुनेजो कहते हैं कि कोरोना के मरीज की हालत प्लाज्मा लगने के बाद बेहतर हुई, मरीज का ब्लड प्रेशर और पल्स रेट नॉर्मल हो रहा है। The
यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की वेबसाइट देख रहा था तो एक टेंडर मेरी नजरों से गुजरा है और वो टेंडर है खजूरों की खरीदारी के हवाले से। सर मामला ये है कि 14 अप्रैल को टेंडर अनाउंसमेंट की गई है, 30 अप्रैल तक सबमिशन डेडलाइन दी गई है, जबकि इस टेंडर की ओपनिंग की जो तारीख है वो 5 मई है, यानी 11 रमजानुल मुबारक को ये टेंडर ओपन होगा और उसके बाद जब डिलीवर होगा यकीनन मार्केट में आते आते रमजानुल मुबारक तो शायद गुजर चुका होगा क्योंकि 3 हफ्ते तो कम से कम दरकार होंगे। 24 न्यूज की खबर का असर, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने खजूरों की खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया, टेंडर में शिरकत करने वालों को वापस भेज दिया गया। ज़राए यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि रमजानुल मुबारक में खजूरों की खरीदारी का तनासुब कम है, खजूरों की खरीदारी की जरूरत नहीं। कश्मीरियों की तहरीक के खिलाफ भारतीय इल्जामात मुस्तरद, तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता 9 माह से लॉकडाउन का शिकार हैं, मकबूजा वादी को जेल में तब्दील कर दिया गया, कोरोना के बावजूद कश्मीरी सख्त पाबंदियों का शिकार है। और इल्जामात के बावजूद वसीम अकरम और वकार यूनस का सहर आज भी तारी, क्रिकेटर्स और शायकीन ने डब्ल्यूज की जोड़ी को नंबर 1 करार दे दिया। शादाब खान की सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल के साथ पेयर बनाने की ख्वाहिश, मौजूदा खिलाड़ियों में यासिर शाह के साथ पेयर बनाना चाहूंगा, शादाब खान की ख्वाहिश।